नहीं नहीं इधर ही खत्म हो गया रास्ता, आगे नहीं है। पकड़ो हाथ मेरा, जाओ। हाँ बस वो पत्थर के अंदर जाना। कम ऑन बॉयज। एक जानवर को कम से कम कितनी दवाई जाती है तुमको बता दो। सवेरे के 11:57 साढ़े 10 बजे हमने शुरू किए थे और 12 बजे के आसपास जो है हमारी दवाई देके कंप्लीट हो गया। हमारी दुआओं की जरूरत है, तुम दुआ करते रहना, मैं मेहनत कर रहा हूँ कि पानी जो है अभी एक टाइम मिलेगा जानवरों को। पिछले बार ऐसा वाला सिचुएशन आया था तो मैंने ब्लॉक करना बंद कर दिया था, फिर 10-15-20 दिन के बाद शायद 15 दिन के बाद शायद से मैंने फिर से ब्लॉक करना स्टार्ट किया था। अभी है ना यहाँ पे फुल गैंग आ चुकी है पार्टी करने के लिए, मॉनसून का मजा लेने के लिए सब लोग आ चुके हैं। MC स्टैंड इज हियर। हाँ वेदर तो अच्छा है भाई, सब अच्छा इन द सेंस कि बारिश नहीं आ रही है, क्लाउडी तो है, वो तो रहने ही वाला है। भले ही बारिश नहीं आ रही है मगर माहौल पूरा बना हुआ है, कभी भी जो है बारिश आ सकती है। लेट्स गो टू द जिम गाइस, बहुत दिनों का स्ट्रीट हॉक को चला के यार मैं तो इंतजार कर रहा हूँ ये बारिश का सीजन खत्म होने का और फिर से फार्म को मैं स्ट्रीट हॉक पे जाऊंगा तो मजा ही और आएगा। स्ट्रीट हॉक कितने दिन से सोई पड़ी हो, अब इसे जागना पड़ेगा। जाग जाओ स्ट्रीट हॉक। शाबाश, पहले से और खूबसूरत लग रहा है। कैसी लग रही है यार की खूबसूरती बताओ, कमेंट में बताओ। और उसके बीच में हमारी ये स्ट्रीट हॉक खड़ी हुई आराम से। मैं तो वेट कर रहा हूँ भाई साहब जिम के लिए जाने के लिए वेट कर रहा हूँ। लेट हो गया आज हमको, 6:26 हो रही है। माहौल ही ऐसा बन रहा है ना कि जो बिस्तर से उठने नहीं दे रहा है, ऐसा क्लाइमेट हो चुका है। अरे आ जाओ, सवेरे का देखो ना माहौल ही कुछ अलग रहता है। और पिछले 2 दिन से ये माहौल को मिस कर रहे थे हम, बारिश के वजह से बाहर नहीं आ पा रहे थे, कल जिम बंद था तो आ नहीं पाए। अब आए, मजा आ रहा है, सुकून मिल गया, सुकून ये करके। बिफोर एंड आफ्टर रेन चल रहा है आज। ये देखो आज कैसा है, उस दिन कैसा था आज कैसा है। अल्हम्दुलिल्लाह अब जाएंगे हम, कुछ फर्क पड़ा क्या 2 दिन वर्कआउट नहीं आने से? कुछ नहीं पड़ा, डाइट प्रॉपर चलनी चाहिए। वर्कआउट 19-20 हो गया तो चलेगा, डाइट 19-20 नहीं होनी चाहिए। चलिए भाई साहब वी रीच, मगर आते वक्त जो है ना सर्दी ठंडी महसूस हुई। हाउ आर यू डॉली, हाउ आर यू, डोंट कम सीट देयर ओनली। ये बहुत अच्छी है यार, बहुत अच्छी है। रुक जा बेटा, उधर ही रुक जा। सर्दी लग रही, सर्दी इसका मतलब इस साल जो है ना बारिश जैसी हुई ना तगड़ी, वैसी सर्दी भी होगी इस साल एकदम खतरनाक वाली। ये अभी तक यहाँ बैठी है, देखो कल से एक बिस्किट का पैकेट लेके आएंगे और इसको दे देंगे अगर ये रहेगी तो, इंशाल्लाह खाएगी वो। अच्छी लगती है मेरे को यार वो, तो वहीं पे बैठी रहती है, घूमते रहती है फिर से अपने रेगुलर टाइम पे। 8:58-8:59 हो रहे हैं, 9 बज रहे हैं, निकल रहे हैं हम फार्म के लिए। पिछले 2 दिन से जल्दी जा रहे थे क्योंकि जिम नहीं जा पा रहे थे। ये जो टाइम देख रहे हो ना आप लोग 8:30 से 9 के बीच का, यही हमारा टाइम है घर से निकलने का। तो चलो लेट्स गो टू द फार्म, एक ब्रेक रहेगा बीच में, वो ब्रेक भी कंप्लीट करके फार्म पे मिलते हैं आपसे। घर से हम जब निकले थे मस्त शम्स निकला हुआ था, रास्ते में जैसे हम आगे बढ़े तो बारिश भी बढ़ने लग गई और यहाँ पे आने तक के बारिश अच्छी खासी बढ़ गई, अच्छी खासी बारिश हो चुकी है। हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। भाई साहब मैं अंदर जा रहा हूँ दवाई करके, मिलता हूँ आपसे। अंदर जाके शांत दिमाग से मैं पहले दवाई कर लेता हूँ फिर व्लॉग करूँगा इंशाल्लाह। तो चलो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। घर से निकले थे हम कुछ 9 बजे के आसपास और अब 10:30 बज रहे हैं। कुछ दवाइयाँ लेनी थी इसके लिए रुक गया था मैं। चलो एक्शन शुरू करते हैं। बस वही सर्दी है गाइस, सर्दी की दवाइयाँ फटाफट देनी पड़ेगी। एक दो जानवर नहीं है, काफ़ी सारे जानवर है, काफ़ी और बड़े बकरे नहीं, छोटे जानवर को छोटे बच्चे। जा लेके दवाई, सारी की सारी दवाई लेके जाओ, कचरा सब निकाल देना। 80 डालो पहले ये वाले को। सवेरे के 11:57 साढ़े 10 बजे हमने शुरू किए थे और 12 बजे के आसपास जो है हमारी दवाई देके कंप्लीट हो गया, मगर है ना कल के मुकाबले आज ठीक है। एकदम अच्छे नहीं बोलेंगे और ना एकदम खराब बोलेंगे, मगर नए जानवर ऐड ऑन होते जा रहे हैं। ये सेम चीज हुई थी सर्दी के टाइम पे भी। एक्चुअली जो क्लाइमेट है ना ये बीमारी वाला क्लाइमेट है, जब बारिश आती है तो साथ में अपने काफ़ी सारी बीमारियाँ लेके आती है।
तो बस यही है, यही चल रहा है, ये वायरल चल रहा है। टेम्परेचर डाउन, कोई जानवर को डाउन आता है, कोई जानवर को ज्यादा आता है। और सर्दी, कोई जानवर को नॉर्मल सर्दी रहती, किसी के नाक भरे हुए रहते, बस यही चल रहा है। चलो भाई, 12:23, 12:30 बजने आ रहे हैं, 7 मिनट में 12:30 बज जाएंगे। ये टाइम के भी आधा घंटा पहले हमारा हो जाता है हिला पिला के सब चीज करके, मगर आज हम इस टाइम पे खिला रहे क्योंकि दवाइयों में व्यस्त थे। और मैंने हमेशा बोला है, बाकी दुनियादारी बाद में, पहले दवाइयाँ। जो चीज सबसे इम्पोर्टेंट रहती है ना, जो टाइम पे, वो पहले करो। हमेशा जब जानवर नॉर्मल ठीक रहते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है फीडिंग टाइम। उसके बाद अगर कभी जानवर ऊपर नीचे चल गए, जैसे आप चल रहे, बीमार हो गए, तो सबसे पहले दवाइयाँ, उसके बाद बाकी दुनिया। तो अभी फीड कराते हैं, सारे जानवर चिल्ला रहे हैं कि लाओ खाना दो हमको, दवाइयाँ मिल गई है, अब खाना भी मिल जाएगा इंशाल्लाह। साथ में तुम्हारी दुआओं की जरूरत है, तुम दुआ करते रहना, मैं मेहनत कर रहा हूँ। दोपहर के 1:04 हो चुका है भाई साहब, हमारा खिला पिला के दवाइयाँ करके कुछ और नए जानवर ऐड हो गए। खिलाने के बाद मेरा समझ में आता है, एक जानवर, हाँ एक बड़ा जानवर और दो छोटे जानवर, छोटे मतलब बच्चे, उनको तो सिर्फ सेफर साइड में दे दिया हम लोगों ने। और एक, हाँ एक चीज़ ये कि पानी जो है अभी एक टाइम मिलेगा जानवरों को ठंडे माहौल की वजह से। चलो फटाफट ख़त्म करके बाहर निकलो, मैं खाना खा लेता हूँ। खाना क्या खा लेता हूँ मैं, अपना अंडा खा लेता हूँ भाई, जो सूखा है वो लग, बच्चे के नीचे गोनी रहती ना गोनी, वो सूखी सूखी रखते हैं हम लोग, गीली गीली निकाल देते हैं। मगर माहौल ऐसा है कि गीली 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 ही है, सूखी सूखी नहीं हो रही है। पिछले बार ऐसा वाला सिचुएशन आया था तो मैंने ब्लॉक करना बंद कर दिया था, फिर 15 दिन के बाद से मैंने फिर से ब्लॉक करना स्टार्ट किया था। मगर इस बार ऐसा नहीं करेंगे, जो है वो है, जैसा ब्लॉक हो रहा वैसा करते रहेंगे। जैसे तुम लोगों की डिमांड रहती ना भाई, 5 मिनट का 10 मिनट का, मगर रोज़ ब्लॉग आने चाहिए, तो रोज़ ब्लॉग आएंगे इंशाल्लाह। मेरा खाना, मेरा पानी और मेरा खाना। खाने में क्या है, खाने में नहीं, नाश्ते में 3 अंडों का ऑमलेट, नहीं आज भुर्जी मिली, टाइम था ना तो भुर्जी मिली, आज ऑमलेट नहीं भुर्जी। दवाई देखो अभी हम लोगों ने दे दिया ना, अभी हमको है ना 24 आवर्स तक कोई दवाई देने की जरूरत नहीं है, अब जो भी दवाई देनी है वो 24 आवर्स के बाद ही देनी है, समझे। चलो यहाँ का भी हो गया, दोपहर के जो है कितने बज रहे, 2:01, 1:01 अभी काम चल रहा है। ये हमेशा रहता क्या, नहीं रहता, आज जब बकरों की तबीयत खराब करके इतना लेट हो रहा है, नहीं तो 12:30 बजे तक हो जाता है सब कुछ खत्म हो जाता है हमारा काम वाम करके अल्हम्दुलिल्लाह। अभी है ना यहाँ पे फुल गैंग आ चुकी है पार्टी करने के लिए, मॉनसून का मजा लेने के लिए सब लोग आ चुके हैं। बाकी जानवर है ना अल्हम्दुलिल्लाह सब सही है, सही वक्त पे सही चीजों की जो जरूरत थी उनको, वो उनको मिल चुकी है भाई। वो पियो, तुम जीरा सोडा पियो ना, हाँ पियो पियो। MC स्टैंड इज हियर। नहीं नहीं तुम खाओ, अरे मेरी डाइटिंग चल रही है भाई, बिस्किट तो डाइटिंग वाला बिस्किट, ये मैदा है, इसमें मैदा, ये बिना मैदे का बिस्किट है। हो गया चालू हो गया, तू आए नहीं यार, तुमने तुमने बोले थे कि तुम आने वाले इसके अंदर बिग बॉस में, तुम आए नहीं यार, थोड़ा बिजी था काम का, शेड्यूल में थोड़ा। फेंको फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको, वो भी तो काम था ना, पैसे कम दिए थे क्या क्या स्पैरो भाई के दांत में तेरे मान, भाई की बॉडी देख रहे हैं माशाल्लाह। ओ ट्रेनर उसके साथ में है तो, अच्छा तुम ट्रेनर है क्या, ये सबसे बड़ा झूठ था, ये बात तो सही है, ये सबसे बड़ा शक्ल बंदा है, झूठे ये। हां भाई तू आया तो बहुत हो गया, इतने निकाल दिए क्या पढ़ ले इस पे। MC भाई यहाँ पे पार्टी करने है कि चिल्लर गिरने, ये क्या कर रहे हैं। ओ भाई किधर बैठे, किधर थे ये सब जमा करने के लिए, ये कौन आदमी का माल है, काटा छापा, ये खड़ा कोई नहीं है, छापा 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 छापे को तो ये सब है ना, मस्ती चल रही है, दोस्त मिलते ना तो ऐसा ही होता, और अच्छी बात है पूरी, जिधर अच्छी हुई रुकने का, जिधर से बुरी हुई ना वैसे एक रास्ता पकड़ के निकल जावे। शाम के 4:15, इट्स 4:50 इन द इवनिंग। चलो हमारी इनोवा बाहर निकल गई, ये देखो वहाँ पे इनोवा लगी है, यहाँ पे स्विफ्ट लगी है, और अंदर पत्ती डालने का काम शुरू है, तुअर डालने का काम शुरू है, ये देखो। चलो 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 बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, ये लोग तो खा रहे यहाँ पे, खाओ खाओ खाओ, खत्म कर दिए लोग ने, मैं लेट हूँ लेट।
देखो माशाल्लाह सुल्तान, कितने दिन के बाद सुल्तान को दिखा रहा हूँ ना। ये तीन तुम लोग पूछ रहे हो ये तीन कैसे रह रहे, ये तीन एकदम कंफर्टेबल रह रहे, कंफर्टेबल खा रहे और कंफर्टेबल मस्ती कर रहे। सब जानवर कंफर्टेबल है अल्हम्दुलिल्लाह, सब जानवर। बस ये जो जानवर थोड़े बीमार है ना, वो बीमार है, वो सता रहे, थोड़े दिन सताएंगे उसके बाद सही हो जाएंगे। सही टाइम पे बस दवाई चले जाए, सब ठीक हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले ना इनको सर्दी आई थी, अब ये लोग रिकवरी मूड पे है, रिकवरी मूड पे अल्हम्दुलिल्लाह। इधर से एक बच्चे को है, उसको भी ट्रीटमेंट दे दिया हम लोगों ने, कर दिया ट्रीटमेंट। इधर देखो ये दोनों को है, ये दोनों को नहीं, इसको और इसको है, और इधर सबको है। मगर कल के मुकाबले बहुत अच्छे है अभी, ये कल के मुकाबले बहुत अच्छे है। कल तो ऐसी नाक लटक रही थी उनकी, मगर आज अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे है और अच्छे हो जाएंगे इंशाल्लाह। सही वक्त पे ट्रीटमेंट हो जाए बस वही मेन है। अब तुम लोगों ने देखे ना कितना वक्त गया अपना ट्रीटमेंट करते करते। ये जानवर जब से आया ना, इसकी चक्की है ना बहुत छोटी थी, अभी बहुत अच्छी हो गई, बड़ी हो गई चक्की। मैं ये बोल रहा था कि दवाई करने के लिए कितना टाइम गया देखे ना तुमने, तो दवाई करने के लिए इतना टाइम जाता है। एक जानवर को कम से कम कितनी दवाई जाती है तुमको बताता हूँ, एक दो तीन चार छः दवाइयाँ जाती है, छः दवाइयाँ। अगर बुखार नहीं रहेगी तो एक दवाई कम हो जाएगी, अगर बुखार रहेगी तो छः दवाई, नहीं तो पाँच दवाई कम से कम। चलो यहाँ तो फुल गैंग पार्टी चल रही है, यहाँ पे अपना काम हो गया, बस जो गोट रूम के बचे हैं जानवर उनको पत्ती वत्ती डालना बचा और बाकी सब अल्हम्दुलिल्लाह डन। अरे गाड़ी गंदी होने दो, हमारे लिए ना चीजें इम्पोर्टेंट नहीं, लोग इम्पोर्टेंट है। अभी हम लोग जा रहे हैं, इन लोग कोई हिडन प्लेस पे लेके जा रहे हैं, इन लोगों को ज्यादा मालूम है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इन लोग ये मेरे को हिडन प्लेस पे लेके जा रहे हैं, मैं इनको अपने वाले ऑफ रोड से लेके जाता जो दरिया में से जाता है। मैंने ना कल वाले ब्लॉग के कमेंट पढ़ा तो सब लोग बोलते हैं कि हमको गोप्रो से व्यू जो आता है वो देखना है, तो इंशाल्लाह कल या परसों वो सेटअप लगा के आएंगे इनोवा स्विफ्ट पे और तुमको दिखाएंगे कैसा दिखता है वहाँ का। फिलहाल इनको दिखाता हूँ जिंदा आंखों से, देखो इंशाल्लाह। पूरी टीम देख रहे तुम लोग, अभी पैदल जाने का बोलते, गाड़ी नहीं जाएंगे वहाँ पे, 11 नंबर की बस जा सकते हैं, 11 नंबर की बस जा रही है। कैसा लग रहा है बिग बॉस के घर में नहीं हो तुम, यहाँ पे नदी के किनारे? नदी के किनारे देखूंगी नहीं। ये तो स्त्रीलिंग है, हम तो पुरुष समझ रहे थे। थोड़ी मर्यादा रखिए। यहाँ तक जा सकते तुम, इधर तक के ठीक है, बाय बाय, बस उससे ज्यादा नहीं, नहीं नहीं डीप रहे भाई, वक्त पूरा बोल के नहीं आता, थोड़ा दूरी रहो। दोस्त बुरे बोल के आते, अच्छे दोस्तों के साथ रहो। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। पकड़ो हाथ मेरा, जाओ हाँ, बस वो पत्थर के अंदर जाना, नहीं शेवाल नहीं है यहाँ पे, थोड़े दिन के बाद। अब ये जो रनिंग हो रहा ना फ्लो है पानी, उधर देखो उधर मेन है, वो जो टर्न हो रहा ना वहां से पानी, उनके जंगल में घूम रहे हम आज। नहीं नहीं इधर ही, इधर ही खत्म हो गया रास्ता, आगे नहीं है। अब वहां से बहुत जगह से निकल रहा है पानी, ओ वहां जाओ, वाजे वहां से चढ़ के वहां जाओ, ओ यहां से जाओ शाबा, यहां से जाओ, ऐसा यहां से रास्ता दिख रहा है। डीप नहीं है वो, डीप नहीं है वो, वैसा ही है, मगर मेरे शूज वूज है, मैं नहीं जा सकता। सब बुड्ढों को जवानी आई है यहाँ पे, सब बुड्ढों को जवानी आई है। सबसे जवान आदमी वहा, सबसे आगे कमान बॉयज। हाँ हाँ वापस वापस, मेरा भी स्ट्रेस निकल रहा है ये सब चीजों के साथ साथ। नहीं नहीं वहाँ बावड़ी नहीं है भाई, जाओ जाओ आराम से जाओ। सिर्फ ये ना डीप नहीं है, ये हम लोगों ने चेक कर लिए। अपना जो तुमको एक बार दिखाया था ना, जो अपने फार्म को जो पानी आता उसकी जो बावड़ी है जो वेल, वो पीछे वहाँ पे है। चलो मुस्लिम भाई, हाँ भाई भाई नहीं, जाओ जाओ जाओ, पूरा भीग के आओ। ये झरना देखो हाथ में से आ रहा, हाथ का झरना ही है, वाह 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 वाह,
कलाकार है कलाकार। लास्ट सेटअप चल रहा है यहाँ पे, लास्ट वाइंड अप की तैयारी। अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक सब बढ़िया। शाम के ना 6:01, चलो नाउ वी कैन गो, जा सकते हैं अभी हम, लेट्स गो।